सत श्री अकाल जी, मैं सुरदीप हाजर हाँ जी गुरजीत कौर तूर जी की बड़ी ही खूबसूरत कहानी लैके। एक चुप सौ सुख कहावत तो असी सारे ने ही सुनी है, पर यह सिर्फ कहावत नहीं सगो साडे बजुर्गों के तजर्बों का निचोड़ है। इस कहावत को जिंदा रखन के नाल नाल इस उत्ते अमल करन की भी लोड़ है। गल मेरी पढ़ाई पूरी करन तो मगरों की सी, जद डिग्रियां करके भी घर का काम करती सी ता माँ अते पापा खिज के सुनाउंदे रहिंदे की फायदा कापियां कालियां करन दा, जे कोई होर काम धंधा करना ही नहीं। रोटियां तां बारां पढ़ के भी कुड़ियां पका लैंदियां ने। पढ़ाई इन्ना खर्चा घर वेली बिठाउण नूं कीता सी। पापा बोलदे कि सानूं सी बाहर जाके नौकरी करो, इहनूं दुनियादारी दा पता लगू, पर इहदा तां हाल खूह दे डड्डूआं वाला ऐ। मैनूं इन्ना कुछ सुण के गुस्सा आ गया ते मैं कहा, पर मैं नौकरी लभदी तां हाँ, नहीं मिली तां थक हार के घर रहिण दा फैसला लिया मैं। हुण किसे थां धक्के नाल किद्दां काम करन चली जावां, मुंडा होवां तां दुकान ते लग जावां, पर हुण नहीं, हुण मेरे कोल कोई चारा नहीं। मैं रोंदी रोंदी इक्को साह पता नहीं किन्ना कुछ बोल गई। मेरा घर बेरोज़गार बैठे रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दौर लैके आया सी। कदे भरा कदे माता पिता सब मैनूं निकम्मी होण दा अहसास करवाउंदे जां कुछ सिखाउण दी कोशिश करदे तां मैनूं लगदा मैनूं सुना रहे हन। मैं भी नौकरी ना मिलन करके परेशान सी ते उन्हां दी हर गल दा गलत मतलब ही कढ़दी। पहलां तां सुण के सिर्फ रो देना, फिर मैनूं लग्गिया कि सब मैनूं कमजोर समझ के मेरा मजाक उड़ाउंदे ने, जिस करके मैं हर किसी दी गल दा जवाब देना शुरू कर दिता। मेरे विच दिन ब दिन गुस्सा वधदा जा रहा सी ते मेरी सहनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो गई सी। नौकरी दी परेशानी विच सब कुछ बदल गया सी। हुण घर दे मैनूं देख के जे रहिंदे ते मैं उन्हां नूं देख के। कई बार भरा अगे बोलण करके तां दोवां विच मार कटाई भी वध जांदी सी। असीं दोवें ही इक दूजे नूं बहुत बोलदे, जिस करके साडे रिश्ते विच खटास आ गई सी। फिर असीं कई दिन एक दूजे नाल बोलदे ही नहीं सी, जिस करके घर दा माहौल हमेशा गर्म होया रहिंदा। दादी मैनूं चुप रहण लई कहिंदे तां मैं उन्हां नाल भी बहस पैंदी। फिर एक दिन पापा नाल बहस होई तां सब ने मैनूं मिल के बड़ा कुछ कहा। मैं अपने कमरे विच पई रो रही सी। दादी मेरे कोल आए ते कहण लगे, हुण गुस्सा ना करी, मेरी गल ध्यान नाल सुन, इह गल्लां कल नूं विआह तों बाद भी तेरे कम आउणगियां। दादी कहिंदे, पुत जे चुप रहण नाल सारे मसले हल हुंदे होण ना तां आपणा गुस्सा पी लिया कर। मैं कहा, दादी मैनूं लगदा इदां करन नाल सब मैनूं कमजोर समझणगे, मेरा मजाक बणाउंदे आ। दादी ने कहा, उह लोक घटिया सोच रखदे हुंदे आ जो किसी दी चुप नूं उहदी कमजोरी समझदे आ। उह किवें दादी जी? पुत चुप रहना कमजोरी नहीं हुंदी, एक बहुत वधिया कला हुंदी है। चुप रहना एक साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता। चुप रहण नाल मनुख अपनियां सारियां मुश्किलां दा निपटारा बड़ी आसानी नाल कर सकदा है। पर दादी जे कोई बोलदा फिर? दादी कहिंदे कि फिर वह मनुख अपना जलूस आप कढ़दा है। गुस्से विच मनुख सब कुछ भुल जांदा है, वह अपनी आकड़ अते बोलण करके सब तो दूर हो जांदा है। इत्थे वह कहावत सही हुंदी है कि इज्जत वाला अंदर वड़े, मूर्ख कहे मिथों डरे। पुत चुप रहिंदे होर भी बहुत फायदे हन। मैं पुछया, वह की? दादी कहिंदे कि जो मनुख ज़्यादा बोल के अपनी चौधर जमाउण दी कोशिश करदे है, लोग हौली हौली उन्हां दे सुभाअ तों जाणू हो जांदे है। फिर सारे लोग अजिहे मनुख नाल गल करन तों वी कन्नी कतराउंदे आ। पर इस दे उल्ट चुप रहण वाला अपने गुस्से नूं पी के औखे समें भी दुश्मन तों वी कम लै लैंदा है। दादी मैनूं समझाउंदे कि पुत हजे भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया, जे सारे तैनूं कुछ कहिंदे आ तां तूं सियाणी धी बण के चुप कर जाया कर। दादी फिर कहिंदे कि साडे समें तां बजुर्ग जे लड़ाई टालण लई किसे नूं चुप रहण लई कह दिंदे सन, उह मुड़ के कदे बोलदा ही नहीं सी, इन्नी शर्म मंनदे सी साडे वेले। उदों ते व्याहे वरियां नूं भी कुट दिंदे सी माँ प्यो, पर मजाल सी कोई माँ प्यो वल अख चक के भी वेख जांदा। पर हुण समां बदल गया, हुण तां बजुर्ग नूं ही चुप रहण दी सलाह दित्ती जांदी है, जिस तों अक के कई बजुर्ग तां घर तक छड्ड के चले जांदे ने। मैं दादी जी नाल वादा कीता कि मैं चुप रहा करूँ। दादी बहुत खुश होए, कमरे चों जांदे जांदे मेरा मत्था चुम के ज्योंदी वसदी रह धीए असीस दे गए। दादी दी असीस ने मेरे गुस्से नूं बड़ी ठंड पहुँचाई। दादी जी दे कमरे चों जाण तों बाद मैं सोच रही सी सियाणियां दी कही गल, एक चुप सौ सुख दी गहराई नूं समझां तां बहुत कुछ सिखण नूं मिलदा है। इस ते अमल करके जिंदगी विच खुशियां दे रंगां नूं भर सकदे हाँ। मैं पक्का मन बना लिया कि मैं इस कहावत उत्ते अमल करना ही करना है। उस तो बाद मैं इस कहावत ते अमल कीता ते मेरी जिंदगी विच बड़ा बदलाव आया। सो जी, कई जगह ते चुप रहण नाल ही बड़े मसले हल हो जांदे ने। गुरजीत कौर तूर जी की यह कहानी तुहानू किदां दी लगी कमेंट विच जरूर दस्यो। जेकर चंगी लगी तो इहनू शेयर जरूर करियो।
ते जेकर अजे तक मेरे चैनल नू सब्सक्राइब नहीं कीता ता चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर दिओ ते घंटी दा बटन भी जरूर दबा दिओ। धन्यवाद जी।